स्वागत है आपका अभेद ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। ब्लड, जिसको हिंदी में रक्त या रुधिर भी कहते हैं, यह लाल रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह लाल रंग का एक क्षारीय द्रव, क्षारीय मतलब जिसका ब्लड जिसका पीएच वैल्यू 7 से अबव हो जाता है वो क्षारीय होता है। तो देखिए इसका 7.4 है, यानी ज्यादा 7 से आगे भी नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, हल्का, बहुत ही कम हल्का क्षारीय द्रव ये होता है। रक्त लाल रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। अब देखिए, रक्त मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड एक डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड जो हृदय से फ्लो करते हैं ना, एक हृदय के किसी भाग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, किसी भाग से डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हल्का पर्पल रंग का होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाल होता है। यानी अगर हम सही रूप से देखें तो रक्त का रंग लाल ही होता है और यह हल्का क्षारीय द्रव होता है। इसका कारण क्या होता है? तो यह हमारे बॉडी के अन्य अन्य भागों से पदार्थ को इकट्ठा करके अन्य अन्य भागों को पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि यह आप लोग हृदय की संरचना वाला हमारा चैप्टर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि यह शरीर के अन्य भागों से अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है, वहां से हृदय में जाता है और फिर रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में जाता है। इसी तरीके से बहुत चीजों को ले जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाने का काम यही करता है। तो यह इसका कार्य क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरे स्थान एक स्थान से उठाकर से दूसरे स्थान पे ले जाना। और रंग इसका कैसा होता है? तो लाल होता है तथा यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 होता है। आगे बता रहा है कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। चूंकि देखिए यह तरल होता है मतलब फ्लो करता है, इसमें फ्लूडिटी का गुण होता है, तो यह तरल होता है, ठीक है। पर इसे तरल संयोजी ऊतक इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यह गमन करता है, जब बॉडी में यह घूमता है तो ऊतकों से भी इसका संपर्क होता है। हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, ऊतक क्या होते हैं? तो सेल के मिलने से ऊतक बनते हैं। उन ऊतकों से भी इसका संपर्क होता है, तभी यह पदार्थों का आदान प्रदान उनसे करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। हम अगर किसी भी व्यक्ति का अगर हम इसकी वेट की बात करें तो अगर किसी भी व्यक्ति का जितना वेट है उसका 6 से 10% ब्लड पाया जाता है उसके बॉडी में। यानी अगर हम देखें तो किसी भी पर्सन का जितना वेट है उसका 6 से 10% ब्लड पाया जाता है। यानी व्यक्ति में करीब 6.8 लीटर ब्लड है, यानी कि समझे तो 6 से 7 लीटर के बीच में किसी भी व्यक्ति में रक्त मौजूद रहता है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको इसका रंग बताया और यह बताया कि यह लाल रंग एक क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक इसे क्यों कहा जाता है मैंने ये बताया। कितना परसेंट में ये होता है मैंने ये बताया। इसका कार्य क्या होता है मैंने ये भी आपको बता दिया। आगे मैं बता रही हूँ कि किस किस पदार्थों से बना होता है। तो इसमें दो घटक होते हैं, मतलब इसके घटक कितने पार्ट में इसके, जैसे लाल रंग का ये बह रहा है तो इसके कितने घटक है, तो अगर उसकी बात करें तो इसके दो घटक होते हैं, एक ठोस और दूसरा तरल, ठीक है। तरल भाग में इसका आता है प्लाज्मा, जो कि टोटल 50 से 55% तक का होता है। यानी ब्लड अगर 100% है तो उसका 55% करीब आपका यह प्लाज्मा ही होता है, जो कि क्या है? तरल होता है, मतलब इसमें फ्लूडिटी का गुण होता है, यही इसमें फ्लूडिटी का गुण रहता है। और ठोस भाग को देखें तो ठोस भाग जो है वो रक्त में 45% मौजूद होते हैं। तरल भाग कितने हो गए? रक्त के दो भाग हुए, एक ठोस और दूसरा तरल। तरल टोटल हो गया 55% और ठोस कितने हो गए? 45%, ठीक है। ठोस हो गए आपके 45, तरल हो गए आपके 55। अब ये ठोस भाग को हम देखें तो ठोस भाग की तीन कैटेगरियां होती है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी अगर हम हिंदी में लिखे तो आरबीसी यानी लाल रक्त इसको बोलते हैं हम लोग, लाल रक्त कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। और एक तीसरा होता है प्लेटलेट यानी रक्त पट्टिका, ठीक है। ये आरबीसी,
इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लाल रक्त कोशिकाएं। चूंकि मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो मैं अक्षर हिंदी का ही प्रयोग कर रही हूँ। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं ठोस के भाग में, देखिए तरल बसे की है प्लाज्मा। अभी किस किस चीजों से बनता है ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम ठोस भाग को देख रहे हैं। तो एक इसमें हो गया आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक हो गया आपका प्लेटलेट। आरबीसी, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का प्लेटलेट। ठीक है, यानी आज मैंने आपको ब्लड से परिचित कराया। ब्लड क्या है? तो ब्लड लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो कि एक क्षारीय द्रव है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय ये द्रव है। और तरल संयोजी ऊतक क्यों होता है? क्योंकि यह जब गमन करता है तो शरीर के अन्य अन्य ऊतकों से भी संपर्क में आता है, उसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह 6 से 10% होता है हमारे बॉडी वेट का, यानी करीब 6 से 7 लीटर के रेंज में यह 1% में पाया जाता है। ये इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, ठोस और एक तरल। तरल भाग में इसका आ जाता है प्लाज्मा, और ठोस भाग में आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आप लोग को ये ब्लड के विषय में जानकारी पूरी मिल गई। अब कल के वीडियो में हम इस प्लाज्मा के विषय में अध्ययन